डियर स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस को डोमिनेस अब ये तीसरा टॉपिक है जो डोम से रिलेट कर रहा है सबसे हमने क्या बात की डोमिनेंस क्या होती है उसके बाद हमने बात की कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है और आज हम बात करेंगे को डोमिनेंस की अब देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे कि एफ वन के जो इंडिविजुअल होते हैं दे रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स तो अगर ऐसा है देन इट इज डोमिनेस और दे be में आपको बताऊं जब हम बात कर रहे थे टॉल पी प्लांट के क्रॉस की डॉफ पी प्लांट के क्रॉस के साथ तो एफ वन में सारे के सारे टॉल प्लांट थे मतलब एक पेरेंट के साथ रिजेंबल कर रहे थे जब किसी एक पेरेंट के साथ रिजेंबल करते हैं यूजअली डोमिनेंट के साथ रिजेंबल करते हैं तो दैट केस इज नॉन एज डोमिनेंस इन द सेकंड केस वी क्रॉस्ड स्नैप ड्रैगन प्लांट्स हैविंग रेड फ्लावर विद व्हाइट वंस एंड द रिजल्ट वाज इंटरमीडिएट ऑफ दिस टू दैट इज पिंक कलर फ्लावर्स वर प्रोड्यूस्ड दिस वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाउ टूडे वी विल डिस्कस को और को के केस में क्या होगा एफ वन जनरेशन होगी सिंपल याद रखने का तरीका एफ वन जनरेशन विल रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स देखिए अगर आइदर ऑफ पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करती है देन इट इज डोमिनेंस आइदर का मतलब रखिए अगर दो में से किसी एक के साथ रिजेंबल कर रही है तो डोमिनेंस है अगर दोनों के साथ रिजेंबल नहीं कर रही है और बीच की स्थिति आ रही है then it is incomplete dominance. और अगर दोनों के साथ कर रही है, then it is अभी डेफिनेशन भी दूंगा आपको लास्ट में इसका को डोमिनेस बेसिकली होती क्या है अब सबसे पहले हम इसके लिए एक एग्जाम्पल करते हैं उसके बाद स्टडी करते हैं एग्जाम्पल इज ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन अब देखिए एबीओ ब्लड ग्रुप्स होते हैं हमारे में आपको बताया तो ब्लड ग्रुप हमारा ए होता है या बी होता है या एबी होता है या ओ होता है दैट इज नोन एज एबीओ ब्लड ग्रुप अब ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप्स होते हैं दीस आर कंट्रोल्ड बाय अ जीन आई अब देखिए एक नया कंसेप्ट आपके पास है कि ये कौन से जीन से कंट्रोल्ड होते हैं दैट जीन इज नोन एज जीन आई ये जो आई जीन है इसके तीन एलिय होते हैं इट एज थ्री एलो और थ्री अब कौन कौन से होते हैं आई ए अब देखिए इसके ऊपर आप आई के ऊपर ए और आई बी एंड स्मॉल आई क्या है हमारा ब्लड ग्रुप है ए बी ओ टाइप और उसको कंट्रोल करता है जीन आई अब इस जीन आई की जो फॉर्म्स है एलिलो मॉर्फिक फॉर्म्स ये इसके जो एलिट्स है वो तीन हैं वो कौन कौन से हैं या तो आई ए आई बी या स्मॉल आई अब ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है जैसे ये आरबीसी है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शुगर होते हैं ऐसे देखिए ये मैं सिंपल बना रहा हूं आपको ऐसे तो क्या हो रहा है कि द शुगर पॉलीमर द प्रोट्यूट प्रोट्यूट का मतलब बाहर की तरफ निकलते हैं फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी क्लियर और ये शुगर मॉलिक्यूल किस टाइप के होते हैं इनके बेसिस पे बेसिकली ग्लाइको होते हैं और इनके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है अब ये जो आई ए और आई बी है सिंथेसाइज शुगर बट ऑफ स्लाइटली डिफरेंट टाइप मतलब क्या इन दो ये दोनों क्या करते हैं ये शुगर बनाते हैं दे प्रोड्यूस और सिंथेसाइज शुगर्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट टाइप क्लियर मतलब बनाते हैं ए वाला थोड़ा सा किसी और टाइप की बनाएगा बी वाला किसी और टाइप की बनाएगा जैसे मान लीजिए मैंने ये ए वाला बनाया और सपोज करो ये जो है ये, ये मैंने क्या कर दिया ए बी वाला बना दिया ये देखिए तो शुगर तो बनाई बट इट इज ऑफ स्लाइटली डिफरेंट काइंड अब क्या होगा जो शुगर पॉलिमर्स होंगे इनके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करेंगे लेकिन ये जो आई एलील होता है ये किसी चीज को प्रोड्यूस नहीं करता इट डजेंट प्रोड्यूस एनी शुगर क्लियर मैंने बात की कि हमारे में जो ब्लड ग्रुप होता है वो एपीओ एवीओ ब्लड ग्रुप होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई एंड आई हैज थ्री मॉर्फिक फॉर्म्स और थ्री एलील दई ए आई बी एंड आई and you know that this the plasma membrane of red blood cells has the sugar polymers that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene now these genes or alleles ia and ib they produce slightly different type of sugar but the small i or the allele small i doesn't produce any kind of sugar now the humans are diploid हम कैसे हैं डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड में एक साथ तीन नहीं हो सकते तीन एलील नहीं हो सकते तो क्या होगा हमारे में दो ही होंगे इन केस ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम ईच पर्सन ईच पर्सन पोजेसिस ईच पर्सन पोजेसिस एनी टू एलिय मतलब तीन नहीं होते क्योंकि हम डिप्लॉयड टू एन तो हमारे पास दो ही टू ऑफ दिस जीन और यू कैन से थ्री आई जीन ठीक है आई जीन के कितने एलियन है? है तो At a time, कितने हमारे पास प्रेजेंट एक आदमी में दो ही होते भी दो हैं। आई ए आई बी भी हैं। आई ए आई भी हैं। I, a, I, B भी हैं। तो लेकिन होंगे दो ही अब आपको पता है कि हमारे पास जो टोटल डिफरेंट एलील्स कितने हैं? तीन डिफरेंट हैं। तीन तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है सिक्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल अब जो सिक्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं ये किस तरह से हैं इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे और उसे स्टडी करेंगे फिर हम बात करेंगे कि व्हाट इज को देखिए हम लेंगे सबसे पहले एलील कहां से लिया एलील फ्रॉम पेरेंट वन एलील फ्रॉम पेरेंट वन फिर हमने लेना है एलील फ्रॉम पेरेंट टू और अब हमने यहां देखना कि जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग का क्या बनेगा जीनोटाइप ऑफ ऑफ स्प्रिंग और ब्लड ग्रुप टाइप या ब्लड टाइप्स ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स देखिए दो पहले कॉलम जो पेरेंट्स को बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि एक के एक पेरेंट से स्पॉम आएगा दूसरे से ओबम आएगा और उनके फ्यूजन से zygote बनता है उससे प्रोजेनी तैयार होती है तो यहां पर हमारे पास आएगा कि एलील उस स्पर्म में कौन सा होगा और ओबम में कौन सा होगा उसके बेसिस पे अब देखिए मान लिया जाए ये इसको हम मेल पेरेंट मान रहे हैं सपोज करो ये फीमेल पेरेंट है तो यहां से हमारे पास जो एलील आया वो आया IA अब एग में भी यही एलील है IA तो क्या जीनोटाइप बना सिंपल सी बात है आई ए आई ए कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा क्योंकि देखिए यहां भी आई ए यहां भी आई ए इसमें दोनों एलिल सिमिलर है मतलब होमोजाइगस कंडीशन एक किस्म की तो यहां पे जो ब्लड ग्रुप टाइप आएगा वो आएगा ए ये ब्लड ग्रुप ए होगा अब हम दूसरा केस लेते हैं दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं कि स्प में वही एलील है आई ए पर ओबम में आई बी आया मान लिया जाए तो देखिए हमारे पास यहां क्या बनेगा आई ए और आई बी अब आप बताइए यहां कौन सा ब्लड ग्रुप होगा दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस टॉपिक ये देखिए अब कौन सा होगा यहां पे बताइए आप यहां पे ब्लड ग्रुप देखिए यहां आपको ऐसा लग रहा है बड़ा आई यहां भी है बड़ा आई यहां भी है तो दीज आर इक्वल एंड इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटली डोमिनेंट है दोनों डोमिनेंट है तो इसका मतलब एक साथ जो ब्लड ग्रुप ना तो ए होगा ना बी होगा कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा इस केस में इट विल बी बी ए दिस इज द केस ऑफ अब विलेंस होती क्या है मैं एक बार समझा कि इट इज इक्वल एंड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ द टू ऑफ अ ट्रेट व्हेन दे आर प्रेजेंट टुगेदर इन एन इंडिविजुअल अब एक इंडिविजुअल है उसमें दो एलील्स हैं वो इक्वल equal है इक्वली और इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं मतलब यहां पे हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो क्या नेचर होगा उसका ए बी होगा उसका ना तो ए होगा ना बी होगा दोनों एक्सप्रेस करेंगे मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी मतलब जो शुगर पॉलीमर ए से बनेंगे वो भी होंगे जो बी से बनेंगे वो भी होंगे तो दैट्स वे ब्लड ग्रुप इज ए बी अब अगला हम एक कम्बिनेशन और लेते हैं इट इज आई ए और ये स्मॉल आई अब देखिए क्या जीनोटाइप हुआ आई ए स्मॉल आई और यहां तो आपको पता है कि ये शुगर बनाता है ए वाली और ये कोई शुगर नहीं बनाता तो नेचुरली ब्लड ग्रुप टाइप कौन सा आ जाएगा हमारे पास ए आ जाएगा अब हम चलते हैं बी की तरफ अब हमने क्या करना अब हम जो फर्स्ट पेरेंट है उसके चेंज करेंगे आई बी आई बी आई बी देखिए आपको अब यहां तीन बार आई आइए लिखा अगली साइड आप क्या करेंगे पहले आई ए ले फिर आई बी ले फिर हमारे पास कौन सा आ गया आई ले क्लियर तो यहां पर हमारे पास क्या होगा देखिए पहला ब्लड ग्रुप क्या आया हमारे पास यहां पे कौन सा आई ए आई बी क्लियर यहां से हमारे पास आई बी आए यहां से तो ये भी हमारे पास को है ए कॉम्बिनेशन है अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास वो कौन सा आएगा देखिए आई बी यहां भी आई बी यहां भी आई बी यहां भी आई बी तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो कौ? जीनो टाइप आएगा आई बी आई बी कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा बी और अगले में आप देख सकते हैं कि यहां हमारे पास आएगा आई बी और स्मॉल आई तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा बी क्योंकि शुगर बनेगी बी की वजह से आई की वजह से कोई शुगर नहीं बनेगी तो इसलिए जो ब्लड ग्रुप आएगा वो बी आएगा अब मान लिया जाए हमारे पास जो ऐसा एलील है दोनों पेरेंट्स के पास मदर के पास भी फादर के पास भी जो पास हुआ गैमेट्स में और वो से जिनोटाइप बन गया जो ऑफ स्प्रिंग है उसका आई आई तो इस तरह के जो इंडिविजुअल होंगे उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी के प्लाज्मा पे ना ए से बनी हुई शुगर होगी ना बी से बनी होगी इसलिए उनका जो ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी ओ क्लियर तो इस तरह से हमने क्या किया नो व्हाट इज को डोमिनेंस अब हम लास्ट इसको कंक्लूड करते हैं कोडोमिन का मतलब क्या है कोडोमिनेस बेसिकली क्या होती है हमारे पास को डोमिनेंस होती है इक्वल देखिए आप इसको ध्यान से देखिए एंड इंडिपेंडेंट Equal and independent expression of the two alleles of a trait of a trait when they are present together. इन एन इंडिविजुअल कि अगर किसी इंडिविजुअल में दो ट्रेट दो प्रेजेंट है और वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज को डोमिनेस और कोडोमिनेस में क्या होगा द रिलेशन बिटवीन मैंने ऐसे लिखा बिटवीन द टू एलिय ज नॉट ऑफ डोमिनेंस रिसेसिवनेस मतलब यहां पे ना कोई डोमिनेंट होगा ना कोई रिसेसिव होगा देखिए फिर से मैं बता रहा हूं कि मान लिया जाए फादर के पास ये क्या आ गया हमारे पास ये एलियन है मदर के पास ये एलील है तो इंडिविजुअल जो बनेगा उसमें आपको होता है डिप्लॉयड होने की वजह से दो हैं तीन हैं ये बन गया अब यहां पर ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है इक्वली डोमिनेंट है तो यहां पे डोमिनेंट और इसे का क्वेश्चन नहीं है ये अपनी प्रोटीन बनाएगा ये अपनी प्रोटीन बनाएगा तो उनकी आरबीसी के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें दोनों तरह की प्रोटीन या शुगर बेसिकली ग्राइको प्रोटीन होती है तो दोनों तरह की जो शुगर पॉलीमर्स हैं वो दोनों बनेंगे तो जो ब्लड ग्रुप है वो ना तो ए होगा ना ही बी होगा वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी ए बी एंड दिस इज कॉल्ड को डोमिनेस मींस इंस्टेड यू कैन से बोथ एलील्स आर बोथ एलील्स आर एबल टू एक्सप्रेस देम सेल्व दोनों कर रहे हैं मतलब एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा कौन सा है एक्सप्रेस देम सेल्व वेन दे अकर टूगेदर क्लियर तो दिस इज कॉल्ड एस को डोमिनेंस क्लियर है व्हाट इज को डोमिनेंस को में क्या होगा जो F1 वन के इंडिविजुअल होंगे वो डोमिनेंस की तरह किसी एक से नहीं मिलेंगे ना ही वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह इंटरमीडिएट होंगे वो दोनों के साथ रिजेंबल करेंगे दे विल रिजेंबल ऑफ द पेरेंट्स देखो ए के साथ भी मिलेंगे और बी के साथ भी मिलेंगे तो दिस टाइप ऑफ केस या दिस टाइप ऑफ डोमिनेंस इज कॉल्ड एज़ कोडोमिनेंस एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कोडोमिनेंस इज ह्यूमन ब्लड ब्लड ग्रुप्स ग्रुप ऑल्सो नॉन एस एपीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग तो इसका मतलब है जब आईए और आईबी वाले पेरेंट्स होंगे तो जो जीनोटाइप होगा वो आईए और आईबी होगा तो इनका जो ब्लड ग्रुप होगा उनमें दोनों टाइप की ग्लाइको होगी उनकी कोटिंग में प्लाज्मा में कोटिंग में इसलिए उनका ब्लड ग्रुप जो है ए के साथ भी एग्जाम्पल करेगा बी के साथ भी एग्जाम्पल करेगा मतलब कैसा ब्लड ग्रुप होगा ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप होगा एंड दिस इज कॉल्ड एस को डोमिनेस तो अब हम अगले वीडियो में देखते हैं उसमें हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की बात करेंगे थैंक यू वेरी मच